अगर आपके पास गीजर वाटर हीटर है तो ये वीडियो जरूर देखें। ये देखिए आज गीजर का पाइप कितना लीक हो रहा है। अरे ये तो टूट गया। जी हाँ, ये पाइप टूट गया है गीजर का, तो इसे हम कैसे रिप्लेस करेंगे वो आज इस वीडियो में देखेंगे। ये देखिए यहाँ से निकल गया ये पाइप, ये जो इसका नट है वहीं पर फंसा हुआ है और पानी कंटिन्यूसली जा रहा है। चलिए टर्न ऑफ करें वाल्व और मंकी प्लेयर लेके ऊपर के नट को पहले निकाल लेते हैं। चलिए अब ये नट निकल गया, अभी हम दूसरा भी नट निकालेंगे, इसे भी खोल लें तो पाइप निकल जाएगा। ये देखिए पाइप, ये जो है नट इसके अंदर से ही निकल गया, डिस्कनेक्ट हो गया। तो अभी हम ये दूसरा कंपैरिजन में इसके ये लेंगे हेवी ड्यूटी का पीवीसी कनेक्शन पाइप जो कि बहुत हेवी है और ब्रास के इसके नट्स है। ये देखिए ये आयरन के थे इसलिए निकल गया, ये ब्रास का हेवी ड्यूटी का। इसके अंदर वाचर डालें, वाचर डालना ना भूलें, लीकेज होगा नहीं तो। लगाकर पहले ऊपर के साइड थोड़ा सा इसे टाइट कर दें, फिर नीचे की साइड भी जो गड्ढा निपल या एंगल कॉक रहेगा वहाँ पर भी वाचर लगाकर थोड़ा सा टाइट कर ले हाथ से। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, इमरजेंसी में आप खुद कर सकते हैं ये काम। अभी मंकी प्लेयर लेकर दोनों साइड फुल टाइट कर ले वाचर टच होने तक, ताकि पानी लीक ना हो। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम आई होगी। चलिए अच्छे से टाइट हो गया है नट अभी, तो चलिए अब पहले गीज़र का वाल ऑन करेंगे, फिर उसके बाद गीज़र का स्विच ऑन करेंगे। अब चलिए देखिए गीज़र ऑन हो गया है, अभी पानी चेक करते हैं। ये देखिए पानी लीक नहीं हो रहा है। ऊपर चेक करते हैं, चलिए ऊपर भी पानी लीक नहीं हो रहा है। तो इसी तरह पानी लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं नल के अंदर के पानी कैसा आ रहा है। ये देखिए पानी आना चालू हो गया है। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।